नमस्कार मीनू मीनू किचन वाल को आपण मानक स्वागत। आज आम प्रस्तुत करिवा रेस्टोरेंट स्टाइल छतु मसाला करी जहाँ को आम अति सहज और सरल उपाय प्रस्तुत करिवा खाइबा को मते बहुत टेस्ट लगी थाए। वीडियो टी शेष जाए देखंतु आपण को घरे आपण निश्चय ट्राई करंतु। जदि आपण माने मो चैनल नुवा तबे चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु पाखरे ते बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करि नियंतु जहाँ द्वारा मु अपलोड करथुवा समस्त वीडियो प्रथमे आपण पाई परिवे। चलंतु रेसिपी टू स्टार्ट करिवा। मुझे हाफ के जी बटम छतु नहीं छोट छोट करी भल भाव धोई नहीं तो मुझे चारु पांचटी आलु को मझीरु दुई खंड करी काटिकी भल भाव धोई नहीं चलतु देखिनवा तापाई कौन कौन सब मसला आवश्यक। मुझे दुईटी मीडियम साइज प्याज को छोट छोट करी काटिकी नहीं सात रु आठ गला रसुण को नहीं देढ़ इंच अदा को छोट छोट करी काटिकी नहीं किसी जीरा नहीं डालचीनी नहीं गुजराती नहीं गोटे शुखिला लंका को नहीं मुझे दुईट टमाटो को छोट छोट करी काटिकी नहीं चलतु आम ग्राइंडिंग जारे मसला को देदे तो प्रथम आम ये प्याज को देदे जीरा को देदे रसुण को देदे अदा को देदे आती अल्प किसी पा को दे आम एक पेस्ट बनई नबा। एबे हमें गैस को ऑन करी कड़े को गरम कर नबा तो कड़े एठी हमरा गरम हो गलानी एबे हमें सेथिरे तेल को दे दबा। मोटी रिफाइन तेल नहीं ची आपन जाने एठी सोरिस तेल नहीं परिवे तो तेल को गरम होबा पई छाड़ी दबा। तेल एठी हमरा गरम हो गलानी प्रथमे हमें आलू को भाजी नबा या को टिके भला परे मिसई नबा आ अल्प किछि लूण को दे या को भला परे मिसई नबा आ ताको 4 5 मिनट भाजीबा पई छाड़ी दबा। तो ये आम चार पांच मिनट हो गला तो देखते ये आलू टी भल भाव भाजी हो जाए आम यहाँ अलग एक प्लेट को बाहर कर नवा तो से ही तेल रे बटम छतु को भाजी नवा। मुझे एवं लुण देना जेहेतु आम अधिक पा बाहर लुण दे पचर लुण देवी तो यहाँ भल भाव मिसई नवा तो देखते ये आम छतु के पानी बाहरी आसला तो आम पानी को डंका साहय भाव में काढ़ी नवा छतु को अधिक सीझेबे ना सीझे छतुटा भल लगे ना से पानी को बाहर कर पानी को फोपाड़े ना तो देखते ये आम छतु सब पानी बाहरी जाए स्वाद अनुसार लुण को देदे आया भल भाव में मिसई नवा आ गोटे मिनिटे भाजी नवा तो ये आम गोटे मिनट हो जाए छतुटे भल भाव भाजी हो जाए आम यहाँ अलग एक प्लेट को बाहर कर नवा एवं आम से ही कड़े आई तेल को आड करवा तेल को टी गरम होबा पई छाड़ी दबा तो तेल ये आम गरम हो गला तेजपत्र को देदे सोरस को देदे आ जीरा को देदे आगे फुटिया छाड़ी दबा तो आमर ये जीरा सोरस फुटी आसला एमें काटिकी रखी पिज को देदे पिज को भल भाव मिसई नवा आ दुई रु तीन मिनिट भाजवाई छाड़ी दबा तो देखते ये आम पिज टी भाजी हो गला बर्तमान आम से बाटिक रखी मसला पेस्ट को देदे आम यहाँ भल भाव मिसई नवा एठी एबे आमे गोटे चामच हलदी गुंड दुई चामच लंका गुंड को दे भल भाव मिसई नवा एबे आमे ताकु दुई रु तीन मिनिट पई टिके कसी नवा तो एठी आमर दुई रु तीन मिनिट हो गला मसला टी टिके कसी हो आसला तो बर्तमान आम एठी बाटिक रखी टमाटो प्यूरी को देदे आउ यहाँ भल भाव मिसई नवा बर्तमान आम से मीट मसला को देदे आक भल भाव मिसई नवा एवं आम से कस्तूरी मेथी को देदे मु कस्तूरी मेथी को सेमती ही दे भाजिकी नहीं तो यह भल भाव मिसई नवा एवं आम से आम जो छतु पानी को रखी से ही छतु पानी को ही देदे आगे भल भाव मिसई नवा जहाद्वर आम मसला टी तले लगे ना तो बर्तमान आम घोड़ी को दे दुई रु तीन मिनिट कसा छाड़ी दबा तो ये आम दुई रु तीन मिनट हो गला बर्तमान आम घोड़ी खोलिक देखी नवा तो देखते ये आम मसलू तेल छाड़ी आसला मसला टी संपूर्ण भाव में हो गला एवं आम भाजिक रखी छतु को देदे आलू को देदे एवं आम यहाँ भल भाव मसला सहित मिसई नवा आउ दुई रु तीन मिनिट आम खोल कसी नवा तो ये आम दुई रु तीन मिनट हो गला तो देखते ये आम मसला सहित भल भाव आलू आउ छतु मिसी कसी एवं से गोटे ग्लास पानी को देदे आक भल भाव मिसई नवा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଦେଇ ଆଉ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମର 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ତରକାରୀଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। तो एठी आमर संपूर्ण भाव प्रस्तुत हो गला बटम छतु मसला करी। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ करी दे एहा को अलग एक बाउल ले बाहर करी नबा। देखंतु एठी आमर छतु मसला करी बहुत सुंदर हेची, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल भलिया हेची। एहा को आपण रोटी परटा गरम भात नान सहित मध्य खाई परिबे। एही परि भाबरे आपण आपणक घरे छतु मसला करी निश्चय प्रस्तुत करंतु, आपणक संगमानक संगे शेयर करंतु, आ किपरि हेची आपणक मतामत मते लाइक कमेंट करी निश्चय जणांतु। रेसीपीटी को शेष जाए देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूछि रेसीपीटी आपणको भल लागिथिबो। जदि आपण मानको रेसीपीटी भल लागिछि तबे लाइक कमेंट करी मते निश्चय जणाइबे, आपणको सांगमानक संगे शेयर करिवे। आपण त मो वीडियो को देखुछन्ती किंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करू नाहंती, त वर्तमान ही सब्सक्राइब करि नियंतु, मोर इंस्टाग्राम पेज तो फॉलो करि नियंतु। पुनी देखाबो आपणको साथ रे एक नुवा रेसीपी रे, सेते बेले जाय धन्यवाद। नमस्कार।